गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जमुना। और फिलहाल हमारे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लगभग हमारे सारे ये साथी जा रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ साथी हैं ना पीछे वाले स्कूल के अंदर मौजूद, अभी वो गए नहीं हैं, तो मैं उनके पास जाऊँगा, उनको साथ लाऊँगा, फिर हमारी एक टीम बनेगी लगभग 4-5 सदस्यों की। ये बंदा रुक ही नहीं गया, क्यों नहीं रुक जा रहे? जमुना नहीं देखनी है क्या? जमुना बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है भाई, ये हमारे नांगल चौधरी से हैं भाई साहब, ये बड़े डरते हैं पानी से। ये कहते हैं कि पानी को देख के ना मुझे चक्कर आता है। वास्तव में चक्कर आता है क्या? अरे बता दो, आते हैं। अरे आते हैं, चक्कर आते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों से मिलाता हूँ। हाँ, ये मोहना वासी है यहाँ पे सारे, और ये हमारे यहाँ के PN है मिस्टर राम प्रकाश जी, बड़े मेहनती लोग हैं। तो मिलते हैं उन दोस्तों से जो मेरे पीछे एक स्कूल है वहाँ पे रुके हुए हैं। ये गलियारा हम पार करेंगे, बड़ा खूबसूरत गलियारा है। ये मेरा नया स्कूल है मोहना, और ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर अभी मैं कुछ दिनों से आया हूँ, पहले मैं यमुनानगर ज़िले में था, और वहाँ की भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी हैं, और अब मैं वीडियो बनाया करूँगा और आपको दिखाया करूँगा। तो मैं पहले आपको इस ग्राउंड के अंदर है ना खड़ा होके बीच में एक बार यहाँ का ग्राउंड दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका मैदान है, अभी हरा भरा है, ये बरसाती घास फूस उगा हुआ है, क्योंकि बरसात में बहुत सारा जंगली खरपतवार उगाता है। ये देखिए है ना, दूर तक वहाँ दूर लास्ट में इसका मेन गेट है, और इधर ये बिल्डिंग है, हरा भरा है पूरा, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए, उधर वो जनरेटर की व्यवस्था है, और जिधर वो गाड़ी खड़ी है ना वो एक स्कूल है, गर्ल स्कूल है 10वीं तक का, जो इसी ग्राउंड के अंदर इसी कैंपस में चलता है। तो वहाँ पर मेरे साथी हैं मिस्टर रामजस, वो 10वीं तक इंग्लिश पढ़ाते हैं, और वो प्राइमरी के हेड साहब आ रहे हैं, और वहाँ पर एक साथी और है जो JPT हैं, और उनका नाम है श्री राकेश कुमार। और आज ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जमुना पर जाने की, तो चलो मिलते हैं उनसे, पूछते हैं कि वो कब चलेंगे, क्या टाइमिंग है, कितने बजे चलेंगे। वो अभी हमारे सामने फाइल वाइल उठाए हुए खड़े हैं, और इधर जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें कॉलेज भी चलता है, यानी कि ये स्कूल कम यूनिवर्सिटी ज़्यादा लगता है भाई, तो बहुत कुछ है स्कूल के अंदर। इधर ये कुछ कुत्ते भी सैर कर रहे हैं, देखिए। तो मैं पहुँच गया हूँ गर्ल हाई स्कूल में, गर्ल गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो साथी अभी अंदर से निकले नहीं है भाई, ये आ गए मिस्टर रामजस, ये हमारे साथी रामजस हैं, इंग्लिश टीचर है, ये हमारे साथी राकेश कुमार जी। तो आपने केवल दो को देखा, अब आप चार को देख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आप जानते हैं धर्मेंद्र सिंह, मिस्टर रामजस, और सर जिले सिंह जी, किस चीज़ के अध्यापक हैं सर? साइंस, ये साइंस के हैं, और ये हमारे मतलब जो नींव होती है ना मकान के जैसे, वैसे बच्चों की नींव तैयार करते हैं, तो प्राइमरी स्कूल से। तो अब हम जाएंगे राकेश सर के रूम पे, पहले हमें वहाँ चाय वाय पिलाएंगे, उसके बाद ही हमें जमुना पर ले जाएंगे, उसके बाद ये हमें जमुना पर ले जाएंगे और जमुना के दर्शन कराएंगे। तो चले, अनिल कुमार और ये महेंद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब ये यही के हम वासी बने हुए हैं। जी, दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, चश्मे उतार के देखा है कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। सभी के अंदर एक क्रेज होता है ना, वही क्रेज इनके अंदर है कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मैं दिखना चाहिए बंदा। चल रहे हैं बारी बारी से, सारे हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, हम गाड़ी से जाएंगे अभी रूम पर, राकेश जी के रूम पर। ये राकेश जी बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। ये हमारी गाड़ी आ गई है, और गाड़ी बड़ी गंदी हो रही है यार, क्योंकि बाहर ही खड़ी रहती है ना, बारिश में धूल मिट्टी जमती रहती है इस पे। तो अब हम निकलते हैं, तो आज देखेंगे दोस्तों जमुना, जमुना का उफान कि उसमें किस तरह का उफान आया है, बहुत दिन हो गए जमुना का दर्शन किए। एक एक करके ये अंदर आ रहे हैं साथी, बैठो भाई, चलो गुड, ओके ओके चले, ओके चाय पी चल पड़ा यार, चाय पी चलना, ठीक है। शीशा बड़ा गंदा हो रहा है भाई मेरा, अभी स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, शायद बस का वेट कर रहे हैं ना, सब्जी वगैरह खरीद लो रात के लिए, ठीक है, फिर घूमना हो जाएगा, बाजार रास्ते में आना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सब्जी खरीदो रखो, चाय पियो, और फिर चलते हैं जमुना पर, चलो ठीक है। तो आप नहाएंगे उसमें? जमुना पर नहाया नहीं जाएगा सर, पानी मतलब इतना ज्यादा है कि देखते डर लगने लगेगा। अच्छा, हाँ इस गली के अंदर गाड़ी हम लगा देते हैं, ये बिल्कुल
आप? भैंस। वाह बहुत बढ़िया जगह। ये आ गई है मार्केट, ठीक है, और ये हेड साहब पी रहे हैं जूस कल्ले कल्ले, हैं पार्टी दे रहे हैं, और सामने वो सब्जी वालों की दुकान है तो हम यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं। ये रेडी है बादाम शेक वाले की, और यहाँ ये भाई पी रहे हैं बादाम शेक जो अभी मैंने दिखाया था मेरे साथ रामचंद्र जी और राकेश जी, और अभी हेड साहब थे ना ये उन्हीं के पल्ले पड़ गया है, यहाँ पर वो खड़े खड़े अकेले अकेले खा पी रहे थे तो बस आज चढ़ गए आठ में और अब हमारे लिए भी वो ऑर्डर दे के चले गए इनको बादाम शेक का। चलो भाई पी लेते, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए। बादाम शेक तैयार है भाई, लो भाई। चलो सा इनको तो पहले ले भाई पकड़ो, आपने पी लिया ले लिया क्यों? मुझे तो अब वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं, बढ़िया था सब्जी और ले ले हैं, बढ़िया ले आ रखी सब्जी तैयार। देख भाई क्या क्या लेना है, ये तो हमने कल बनाई थी तोरी तो ले रहा हूँ, है डाल दे भाई। आधा किलो ले लो है ना, क्यों जी तो भाई सब्जी खरीद ली हमने, एक साथी और मिल गया मिस्टर जितेंद्र कुमार, ये भी यार हमारे जिले से उधर से ही है और इधर फरीदाबाद में नौकरी करते हैं। आप बता रहे थे भाई जितेंद्र है, तो मैंने बम्बई वाला तो नहीं बोला, दर्शी वाला नाम नहीं थे भाई नहीं ना ये था। आ जाओ भाई, तो भाई चाय की तो होगी है मनाही, चाय तो नहीं पीनी अब, चाय पी के चलना पीओगे? अच्छा मानेंगे नहीं ये लोग, चाय जरूर पी के जाएंगे, चाहे ठंडा खा लो लस्सी पी लो दूध पी लो कुछ भी, चाय जरूर। पर ये विकास ये राकेश सर मानेंगे नहीं, चाय जरूर पी भाई, राकेश सर कुछ नहीं कब है ठीक है राकेश डालो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम, चलो उधर है इसके अंदर वो है, अरे इसके अंदर वो गड़बड़े मामला सांप घुसा हुआ था, काम चलो करने घर की तरफ चलो चलो बेटा, सांप है अभी देखा था हमने, सांप है यहाँ पे, चलो घर चलो गर्मी में। यकीन होने आ भी कर यार मना भी कर दिया, घर में आके पीऊंगा नहीं, आ जाओ तो आके पियेंगे, आके पियेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो राम जस चलाएगा भाई मैं वीडियो बनाऊंगा, आ जा भाई ये चाबी पड़ी है सीट पे, सीट पे पड़ी है चाबी, और भाई राकेश सर को तकलीफ देनी पड़ेगी, राकेश सर फिर मेरी वीडियो नहीं बनेगी, आपने पिछाने पड़ेगा तब वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल 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 ठीक है। डाल दी चाबी नीचे, देखो निकालो, चलो भाई। अरे यार चला दे एसी उसी इसका, गर्मी बहुत है राकेश सर, गर्मी काफी से काफी। तो भाई हम मोहना को लगभग पार कर चुके हैं ना, इधर अभी तो गांव आ रहा है जी, मोहना तो बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा लंबा चौड़ा है, साथी करे मोहना है ना बहुत लंबा चौड़ा गांव है, लास्ट थे बस लास्ट मकान। अच्छा ये लास्ट थे ये वाले, ये लास्ट है ये लास्ट, अच्छा ये लास्ट बताते हैं। तो भाई शीशा बड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ी फोटो भी क्लियर नहीं आ रही है दोस्तों, माफ कीजिएगा, किंतु आज जमुना के दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे। मैंने यमुनानगर में है ना जमुना को देखा था, लेकिन अब मैं फरीदाबाद जिले में, पश्चिमी यूपी के पास फरीदाबाद जिला है हरियाणा का, उसके एक स्कूल के अंदर कार्यरत हूँ, अभी ट्रांसफर हो गया हूँ। तो अभी ये साथी कह रहे थे ये देखो जी 405 हो चुका है, ठीक है, और ये पानी शायद ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया है, देखिए आप अभी दिखाएंगे आपको हम। तो ये सड़क यूपी जा रही है, ये पानी इधर है, ये यमुना है, अच्छा यमुना का ये पुल है, हम पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं भैया, है ना पुल आ गया, ये पुल के ऊपर चढ़ गए भैया हम, ये यमुना आ गई है, ये जमुना का पानी, जमुना जमुना देखियो भाई, और ये बेचारा एक नहीं ये तो फालूदा खिला रहा है, मैंने सोचा ट्रक कोई फेल हो गया यहाँ पे, अच्छा भाई भीड़ बहुत है पुल के ऊपर है ना, लोग यमुना को देखने के लिए आए हुए है, तो हम भी अपनी गाड़ी थोड़ी आगे लगाएंगे, बस पुल से पहले कभी पुल गिरना चाहिए यार गाड़ी भी बह जाएगी, बस यही लगा। तो भाई ये बहुत सारे लोग आए हुए आप देख सकते हैं हमारे सामने, जब देखे दे रहे तो भाई ये यमुना है, ठीक है, तो यमुना को लोग देखने के लिए आए हैं, बस जबरदस्त पानी आया भाई, आओ देख ली
पहले भी इतना ही पानी आता था भाई यमुना मोहना वालों, एक बार उड़ाया था पहले 2013 में देखियो जी, हमने तो अपने औखंते दो बात पहले कभी 2013 में तो वो केदारनाथ में गड़बड़ हुई थी तब आया था, 13 में आया जी 18 में इतना। तो भाई मैं आपको यमुना के दर्शन कराता हूँ दोस्तों, इधर से देखेंगे भाई जबरदस्त पानी आया हुआ देखो यमुना में। ये यमुना नदी है भाई देख, इतनी चौड़ी यमुना नदी तो इन लोगों ने पहली बार देखी है, कम से कम 1 किलोमीटर चौड़ाई होगी इस पाट की, 1 किलोमीटर चौड़ाई भाई। ये देखो किस तरह ना बहुत पानी आया भाई, और यहाँ पर ये लोग है ना यमुना को देखने के लिए आ रहे हैं, ये देखो आप पुल पे बहुत भीड़ हो रही है, ये देखो सभी लोग आए हुए हैं। ले भाई राकेश सर कह रहे हैं तो इधर से नजारा देखते हैं, इधर देखो पानी पे भाई कितनी स्पीड पे पानी जा रहा था, बहुत कुछ बहकर आ रहा है वो देखो, वो क्या गया मैट सब है कितना गया स्पीड ने पुल यार हिल रहा है, ये तो इतना हिलता रहता है सर, जंपिंग हो रही है, जंपिंग चलती रहेगी पुल पर। ये है जमुना और हमने एक घंटा यहाँ बिताया है, लेकिन अब आ गई पुलिस और वो गाड़ी गई दूर और सब ने इससे यहाँ से हटा रही है ताकि पुल के ऊपर ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, पुलिस आई हुई है भीड़ को हटा रही है। अब ये कुछ लोग और आए हैं हमारे साथी के साथ जानकार हैं, ये उनसे मिल रहे हैं, तो जमुना का नज़ारा लिया, बहुत अधिक पानी आया हुआ है, लोग कह रहे हैं कि पानी और अधिक आएगा, और पहले तो छोटी सी धारा के रूप में बहती थी यहाँ, और अब देख कितना विस्तार हो गया इसका है ना, ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो भाई हम कर रहे हैं अब वापसी, जा रहे हैं रूम पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।